हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और मैंने अपना जो वीडियो है बनाना छोड़ ही दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ। तो आज जो है मैंने सोचा चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बनाना। और एक्चुअली हुआ क्योंकि हम फुल फैमिली जो है कोरोना के शिकार हो गए थे, सब बीमार हो गए थे, तो इसलिए हम बना ही नहीं पा रहे थे। सारा टाइम जो था उसी में लग जाता था, तो कभी सोचते भी तो टाइम ही नहीं निकाल पाते थे बनाने के लिए। और बहुत मुश्किल से जो है इस बीमारी के दौर से हम लोग गुजरे हुए हैं, क्योंकि बहुत ख़राब बीमारी है। और ये होता नहीं कि अगर घर में एक मेंबर का हो जाता है तो फिर आदमी समझ ही नहीं पाते हैं, जब तक हम समझते हैं तब तक देर हो जाता है और पूरे घर के लोग जो हैं उस चपेट में आ जाते हैं, तो सोचने समझने की भी टाइम नहीं रहता है। तो इसी चक्कर में हुआ यूँ कि हम लोग भी जो है सब बीमार पड़ गए थे। तो अब हो गया, सब नॉर्मल हो चुका है, ठीक हो गए। हम लोगों ने टेस्ट भी करा लिया तो सबका निगेटिव आया है। और इसका जो वीकनेस है वो बहुत काफ़ी हद तक है, क्योंकि अभी ये जाने वाला भी नहीं है, तो शरीर को जो है ना बहुत कमज़ोर बना देता है ये बीमारी। लेकिन क्या कर सकते हैं, कब हो जाए किसको हो जाए कुछ समझ ही नहीं आता। बस ये है कि अपने आप को थोड़ा बचा के रखो, सुरक्षित रहो, बाहर मत निकलो, यही सब करेंगे। लेकिन फिर भी हो जाता है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। बस ये सब चल रहा है, इसी कारण हम जो है वीडियो बना ही नहीं पाए थे। काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो, मुझे लग रहा है कि एक महीने से हम बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाए हैं। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, छोटा सा वीडियो आज मैंने डाला है, तो ज़रूर देखना मेरा पूरा वीडियो एंड तक। और कोशिश करूँगी मैं कि रोज़ में वीडियो बनाऊँ, देखते हैं क्या कर पाते हैं। यही कहना है कि आप लोग भी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को बचा के रखें जहाँ तक हो सके, क्योंकि बहुत ख़राब बीमारी है। जितना हम लोगों ने रियलाइज़ किया है ना इस बीमारी के, बहुत बेकार सी बीमारी है। जितना हम लोगों ने इस बीमारी के बारे में सुनते थे ना, उससे ज़्यादा ये ख़राब बीमारी है। करें लेकिन हाँ, ऊपर वाले सब संभाल लेते हैं, थोड़ा पेशेंस रखना होता है और बस सब कुछ लेते रहो, दवा लेते रहो, टाइम टेबल सब कुछ खाते रहो, पीते रहो, तो जल्दी रिकवरी भी हो जाते हैं। लेकिन बस ये है कि अपने आप को बचा के रखो इस मुसीबत के बीच में, ना घुसो, बस यही कहूँगी मैं। यहाँ पर मैं अपने घर में नींबू कैसे स्टोर करके रखती हूँ आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक कांच का बाउल, और जितने भी आपको नींबू रखना है स्टोर करके आप ले सकते हो। इसके बाद मैं इसमें नींबू को सारे की धो के इसमें मैंने रख दिया है। और इसको मैं क्या करूँगी, इसमें पानी डाल दूँगी, तो पानी पूरा ऊपर तक फुल नहीं करना है, थोड़ा नीचे ही रखना है। और आप इसको ढक के फ्रिज में रख सकते हो, तो ये कम से कम 15 से 20 दिन तक नींबू आपको बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और ऐसे ही हरा का हरा ही रहेगा। तो हमेशा ऐसे ही स्टोर करके नींबू रखते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो इसमें लगाई थी पुदीना, तो एक छोटा सा जो है ये प्लांट है, इसमें मैंने पुदीना लगाए थे। और ये माजा का बोतल है, तो इसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल के मैंने इसमें लगा दिए थे। और आप देख सकते हो कितने सारे इसमें जो है अच्छे से ग्रो किया हुआ है, तो पुदीने की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप इसमें पानी डालते रहो और ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और इसको जितने भी पत्ते होते हैं, सारे पत्ते को आप जितना भी काटोगे उतने अच्छे से इसमें पत्ते निकलते हैं, नहीं तो जो पत्ते हो पुराने हो जाते हैं और सारे पत्ते सूखने लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सारे पत्ते को काट के इसको अच्छे से धो के, अगर मुझे चटनी बनाना होता है तो मैं चटनी बना लेती हूँ, अगर नहीं बनाना है तो फिर मैं इसको सारे को धो के अच्छे से, और इसको मैं ढक के रख देती हूँ, या पंखे की हवा में ये अच्छे से सूख जाते हैं, आपको धूप में भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने कितने सारे पत्ते इसमें से काटे हैं, और बहुत सारे पत्ते हो जाते हैं, आपको मार्केट से खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप से आप प्लांट, पुदीने के प्लांट लगा सकते हो अपने घर में, बहुत अच्छे से जो प्लांट है ग्रो भी करता है। और आज मैं बनाने वाली हूँ पानी पूरी। तो पानी पूरी बनाने के लिए मैंने कुछ मार्केट से सामान लाए हैं और कुछ मैंने घर में बनाया है। ये पानी पूरी का मसाला है, इसमें आप कम से कम 750 मिलीलीटर पानी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पानी का मसाला, डाल दिया है उसमें, मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच रोस्टेड जीरा, 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच मिर्ची का पाउडर। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दूंगी पानी,
तो ठंडा पानी मैं डाल के इसको फ्रिज में रख के 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, तो और जो है पानी थोड़ा चिल्ड हो जाता है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी बाद में थोड़ी सी बूंदी, अगर बूंदी है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हो। अगर आप खट्टा ज़्यादा चाहते हो तो आधा नींबू का रस डाल दो, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ इमली की चटनी, जो कि मैं ये भी रेडीमेड ही है। अगर घर की चटनी बनी हुई है तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर रेडीमेड चटनी डाला है। ये मैंने ले लिया है पूड़ी, और ये भी रेडीमेड पूड़ी है, तो ये अच्छे से जो है फूल के गोलगप्पे बन जाते हैं, अच्छे से करारे भी बनते हैं। तो इस टाइप से आप पानी पूरी घर में बना सकते हो, और जिस टाइप से मैंने पानी बनाया उस टाइप से अगर आप एक बार बना के देखोगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि काफ़ी चटपटा ये पानी बनता है। और ये देखो कितने अच्छे से जो है पूरी फूल गए हैं, तो बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। आप इस टाइप से भी बना सकते हो, और नहीं तो अगर आपको पूरी बनाना आता है तो आप पूरी बना भी सकते हो घर में। ऐसे मैंने क्या किया, आलू उबाल के रख लिया, इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच नमक, थोड़ी सी मिर्ची की पाउडर, और ढेर सारी उसमें मैंने डाल दी है चटनी इमली की, उसमें थोड़ी सी बूंदी डाल दिया है। और यहाँ पर जो है मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, मैं बस यहाँ पर रख के सबको सर्व करूँगी। और बहुत अच्छा लगता है इस टाइप से पानी पूरी, अगर आप घर में बना के खाते हो तो बहुत पसंद आएगा आपको भी। अगर पानी को आप थोड़ा ज़्यादा तीखा रखना पसंद करते हो तो उसमें थोड़ी सी धनिया के पत्ते और ग्रीन चिल्ली को पीस के पेस्ट बना के भी आप डाल सकते हो, तो थोड़ा ज़्यादा और तीखा हो जाएगा और चटपटा भी हो जाएगा, लेकिन मुझे इसी टाइप से पानी अच्छा लगता है। तो इस टाइप से आप मार्केट से खरीद के थोड़ा अपने तरफ से मिला के आप अच्छे से पानी बना सकते हो, बहुत अच्छा और चटपटा सा जो है पानी बन के रेडी होता है। तो अक्सर जो है मैं इसी टाइप से पानी पूरी अभी बनाती हूँ, क्योंकि मार्केट के तो हम खा नहीं सकते हैं, और अभी का क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो हम कभी मन होता है कि पानी पूरी खाएं। तो इस टाइप से आप घर में बनाना चाहोगे तो बना सकते हो, और एक बार बनाओगे तो आपको भी ज़रूर बहुत पसंद आने वाला है ये। लेकिन होता क्या है कि हम घर में चाहे जितना भी अच्छे से बना ले, लेकिन फिर भी मार्केट की पानी पूरी खाने की मज़ा जो है कुछ अलग ही होता है, उसमें कुछ अलग ही टेस्ट होता है, और बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। लेकिन फिर भी अभी के जो मौसम है, अभी के जो समय चल रहा है, उसके अनुसार आप स्टेप से बना के खाओ तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत टेस्टी भी बना हुआ है। ये नहीं है कि अच्छा नहीं बना है, बहुत टेस्टी बना हुआ है। तो इसी टाइप से जो है आप बना के बना सकते हो, और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, कि मैं ज़्यादा तीखा डालती नहीं हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो उसमें आप मिर्ची डाल सकते हो, तो बहुत टेस्टी जो है ये पानी बनी हुई है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक मार देना, और अपने दोस्त फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बाय।